हेलो यूट्यूब फैमिलीज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज जो बनने जा रहा है इसका नाम है, मैं तो भूल गई इसका नाम क्या है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज़ है। छोटी से छोटी बातें याद नहीं आती हैं और बड़ी से बड़ी बात भूल नहीं जाती। तो ये गलत कह रही कहावत। खैर एनीवे, इसे जो बना रही है वही बताएंगे इसे क्या कहते हैं। असल में चैनल पर ना तीन लोग कुकिंग करते हैं, मैं करती हूँ, मेरी सास करती हैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। और आप लोग बताएंगे कौन अच्छी कुकिंग करता है। हर करती सबसे अच्छी कुकिंग दिखाई मेरी सास ही करती हैं, तो यही बताएंगे इसका नाम क्या है। हाँ, मैंने बटे हैं, लेकिन ना 4 किलो बटे हैं ये। और 4 किलो बटे मैंने पहले इनका पानी निकाला, उबाल के थोड़ा सा फिर धो के दोबारा पानी डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चढ़ा दिए। एक चूल्हे पे गल रही है ये, इस चूल्हे पे दूसरे चूल्हे पे मैं इनका मसाला बना रही हूँ। प्याज निकाल करके हरी मिर्चें वो निकाल लूँगी, फिर इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट बना के फिर ये इसको भगा लूंगी मैं। तो जनाब, इसे कहते हैं बट के लिए बट कहते हैं, कुछ लोग बटे कहते हैं, कुछ लोग गोजड़ी कहते हैं। तो ये बनाई है मेरी सास ने। पहले उन्होंने टमाटर, पहले प्याज, हरी मिर्ची और उसको अच्छी तरह फ्राई करके उसमें टमाटर मिला के और नमक मिर्च हल्दी मिला के एक मसाला सा बना लिया था। और बटों को बॉयल पानी में बॉयल पानी करके अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। उसके बाद हमने भगोने के लिए जो पॉट था, जो बर्तन था, हमने चेंज कर लिया था क्योंकि हमें छोटा पड़ा था। तो हमने तमाम मसाले को बटर मिर्ची बटे बॉयल हुई है इनके साथ मिलाकर, और फिर इसके बाद इसकी इन्होंने इसकी भुनाई की थी। इसे पानी मिला के इसको अच्छी तरह से भुना था। ये आप जितना भुनेंगे बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। शायद कुछ लोग ना जानते हैं उसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। लोग शॉप से लेके खाते हैं, दुकान से लेके खाते हैं। इन्होंने घर पर बनाई थी जो कि बहुत हाइजेनिक थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार होती है। पहले मुझे पसंद थी कि मैं अब खाने लगी, मुझे अच्छी लगती है। तो जनाब, भी हमने खाई बड़े मज़े से और बहुत ही मज़ा बनी थी और बहुत चटपटी बनती है। इसको मेरी सास ही बना सकती है क्योंकि ये बनाना आसान काम नहीं होता है। इसकी काफ़ी सफाई करनी पड़ती है, काफ़ी सफाई धोना पड़ता है, जो मैं तो खैर कभी नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ खाने बड़ी टेक्निक से बनाए जाते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि कुछ एक्सपर्ट लोग ही जानते हैं, जैसे मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है। मैं भी कुकिंग कर लेती हूँ, शौक तो मुझे खैर बहुत है, लेकिन इतनी अच्छी कुकिंग कुकिंग नहीं कर पाती जितनी मेरी सास करती हैं। क्योंकि काफ़ी दिन काफ़ी काफ़ी हिस्सा उन्होंने इसी कुकिंग में गुजारा है। बहुत एक्सपर्ट हैं, देखें कितनी अच्छी करती, कितनी अच्छी लग रही है इसकी, बहुत ही मज़ा बनी थी।